पलक तुरंत बोल पड़ती है, पर वो काला पोशाक वाला है कौन? पलक का सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी पलक के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। मुर्दों से लड़ने के कारण सभी लोग घायल हो गए थे, सभी को कहीं ना कहीं चोट लगी हुई थी जिससे अभी भी खून बह रहा था। सब अभी भी दर्द से कराहे जा रहे थे। अमोदिता तो अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। वो रजनी जो उसे जिंदगी भर ताने दिया करती थी, आज उस रजनी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अमोदिता को कभी नहीं लगा था कि रजनी कभी उसके लिए ऐसा कुछ कर सकती है। रजनी कैसे ना उसकी जान बचाती, आखिर वो उसकी माँ थी, और माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है, खुद अपनी जान भी नहीं। वो सब वहां पर खड़े होकर काली बारिश में भीग ही रहे थे कि काली बारिश की बूंदों को देखकर वर्चस्विनी को तारा की याद आ जाती है और वो तुरंत बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, मेरी बेटी तारा, उसकी जान खतरे में है, कहीं उस काले साई ने उसे कुछ कर ना दिया हो। काली बारिश भी वापस से शुरू हो गई है, कहीं उसने तारा की शक्तियां हासिल तो नहीं कर ली। कछुआ वर्चस्विनी के दिल को दिलासा देने के लिए बोल पड़ता है, नहीं वर्चू, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हो सकता है जिस तरह उस काला पोशाक ने हम सबको बचाया है तारा को भी बचा लिया हो। कछुए की बात सुनकर वर्चस्विनी के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और वो अपनी ही बात को दोहराते हुए बोल पड़ती है, ऐसा ही होना चाहिए। अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, हमें घाट के पास जाना चाहिए, युग और यामिनी वहीं पर गए हैं। अभिमन्यु एक नम लहजे के साथ अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, अब तक तो यामिनी ने युग को मार दिया होगा और अपने अभिशाप से मुक्ति पाली होगी। अभिमन्यु के चेहरे को देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि वो ये बात बोलना तो नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे ये बात बोलनी पड़ रही थी। कभी कभी इंसान को खुद की भावनाओं का गला घोंटना पड़ता है दूसरों के लिए, और अभिमन्यु को भी वही करना पड़ रहा था। डायना को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है और अगले ही पल वो बौखलाहट के साथ कहती है, हाँ हमें वहीं पर जाना चाहिए। अभिमन्यु और डायना की बात मानकर वो सभी घाट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ घाट पर ही युग और यामिनी अभी भी उसी घेरे के अंदर थे जो महाडायन ने मरने से पहले एक अस्त्र से बनाया था। उस घेरे की हरी रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, पर युग और यामिनी अभी भी उसी घेरे के अंदर बैठे हुए थे जैसे उनके लिए वक्त थम सा गया था। दोनों के चेहरे पर मायूसी अभी भी साफ साफ नजर आ रही थी। दोनों ही दूर से बैठकर महाडायन की लाश को देख रहे थे। महाडायन मरने से पहले सीधे पेट के बल गिरी थी, जिस कारण उन दोनों में से किसी को भी महाडायन का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। यामिनी ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस महाडायन ने उसकी माँ को अभिशाप दिया था, उसी की एक पीढ़ी उसका अभिशाप खत्म करने के लिए अपनी जान दे देगी। एक पीढ़ी जो एक ऐसा अभिशाप देती है जो सदियों तक चलता है, और उसी की एक पीढ़ी एक पल में अपनी जान की कुर्बानी देकर उस अभिशाप को खत्म कर देती है। युग उस घेरे के अंदर बैठा ही हुआ था कि उसे एक महक आने लग जाती है, एक ऐसी महक जिसे वो अच्छे से पहचानता था। उस महक को सूंघकर युग सदमे में से बाहर आने लग जाता है। उसके हाथ पैर में मूवमेंट होने लग जाता है। युग उस महक को सूंघते हुए कहता है, ये तो वही महक है, पर ये महक आ कहां से रही है? युग तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। यामिनी नम लहजे के साथ ही युग से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं युग बाबू? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। जब युग उस घेरे में से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो महक और तेज हो गई थी, और वो महक कहीं और से नहीं बल्कि महाडायन की लाश के पास से आ रही थी। युग हैरानी के साथ महाडायन की लाश को देखते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, ये तो गुलाब की महक है, वही महक जो मेरी। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है, वो अपनी बात पूरी नहीं करता है। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। यामिनी फिर युग को आवाज लगाते हुए पुकारती है, आप कहाँ जा रहे हैं युग बाबू? पर इस बार भी युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। युग जल्दी से महाडायन की लाश के पास पहुंच जाता है। महाडायन की लाश के पास पहुंचकर ही युग को अजीब सा लगने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो महाडायन की लाश के पास नहीं बल्कि किसी अपने की लाश के पास खड़ा हो जो उसके दिल के बहुत ही करीब हो। युग धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाता है। महाडायन के चेहरे को देखने के लिए युग नीचे झुकता है, और जब महाडायन की लाश को पलटकर उसका चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। युग की वो आंखें जो कुछ देर पहले नम थी, उन आंखों में आंसू समाने लग जाते हैं। पहले तो युग खामोशी के साथ ही वहां पर बैठा रहता है, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो, पर देखते ही देखते उसकी आंखों से दरिया बहने लग जाता है। वो रोना शुरू कर देता है। यामिनी अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। युग को इस तरह महाडायन की लाश के पास बैठा देखकर उसे बहुत अजीब लगने लग जाता है। यामिनी वहीं से युग को पुकारते हुए कहती है,
आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं युग बाबू? युग अभी भी यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो यामिनी की तरफ देखता तक नहीं है, बस महाडायन की लाश को देखकर रोते रहता है। यामिनी तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और युग के पास जाने लग जाती है। जब यामिनी युग के पास पहुंचती है और महाडायन का चेहरा देखती है तो उसका भी वही हाल था जो युग का हुआ था। यामिनी भी दंग रह गई थी महाडायन का चेहरा देखकर। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता था। युग की आंखों से आंसू बह ही रहे थे कि तभी वो रोते हुए कसकर चीख पड़ता है, माँ! युग के माँ कहने की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। उसी वक्त एक तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी ज्यादा तेज चमकी थी कि एक पल के लिए चारों तरफ रोशनी हो गई थी। वही रोशनी सीधे महाडायन के चेहरे पर पड़ी थी। युग जिस महाडायन की लाश के पास बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि चित्रा की लाश थी। चित्रा ही महाडायन थी। मरने के बाद चित्रा महाडायन के रूप से अपने असली रूप में आ गई थी। युग अपनी माँ की लाश को देखकर रोते रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा था चित्रा को वहां पर देखकर। अब यामिनी को समझ आने लग गया था कि क्यों महाडायन उसे युग को मारने से रोक रही थी और युग की जगह खुद मरने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि महाडायन कोई और नहीं बल्कि चित्रा थी, जो युग से अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी। यामिनी भी चित्रा की लाश को देखकर युग से कुछ नहीं बोल पाती है। उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से भी अश्कों की धारा बहनी शुरू हो जाती है। इतने में बाकी सब भी घाट पर पहुंचने लग गए थे। पैर पर चोट लगने के कारण डायना को चलने में दिक्कत आ रही थी, जिस कारण वो अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसके कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें दूर से ही युग और यामिनी नजर आने लग गए थे। जब अभिमन्यु दूर से ही देखता है कि युग जिंदा है तो वो खुश हो जाता है। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई देने लग जाती है। पर चैटर्जी को युग को जिंदा देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती है। चैटर्जी मन में सोचने लग जाता है, ये क्या, युग तो जिंदा है, इसका मतलब यामिनी को अभी तक उसके अभिशाप से मुक्ति नहीं मिली है। ये दोनों क्या कर रहे थे अभी तक? वहां वो काला साया तारा को ले गया और ये दोनों की बस बैठे हुए हैं। सभी लोग हड़बड़ाहट के साथ युग और यामिनी के पास जाने लग जाते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन सब की नजर चित्रा पर पड़ती है तो सब लोग उसे देखकर वहां पर हैरान रह जाते हैं। किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। चित्रा की आंखें बंद देखकर और युग और यामिनी को इस तरह रोता हुआ देखकर सब इतना तो जरूर समझ गए थे कि चित्रा को कुछ हो गया था जिस वजह से उसकी आंखें बंद थी। चित्रा को वहां पर देखकर सबसे ज्यादा हैरानी अगर किसी को होती है तो वो डायना थी। डायना, जिसे चलने के लिए अभिमन्यु के हाथ का सहारा लेना पड़ रहा था, वो तुरंत अभिमन्यु का हाथ छोड़ती है और लड़खड़ाते हुए चित्रा के पास जाती है। डायना घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ चित्रा के शरीर को हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ है आपको? आप यहाँ क्यों लेटी हैं? जब बार बार हिलाने पर भी चित्रा नहीं उठती है तो डायना समझ जाती है कि चित्रा शांत हो चुकी थी। डायना चित्रा की नब्ज पकड़कर भी देखती है पर वो भी नहीं चल रही थी। डायना भी रोना शुरू कर देती है। डायना रोते हुए कहती है, आंखें खोलिए महाडायन, आंखें खोलिए। जब डायना चित्रा को महाडायन करके पुकारती है तो युग और यामिनी को छोड़कर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सभी लोग हैरानी के साथ डायना को देखने लग जाते हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि डायना चित्रा को महाडायन क्यों बोल रही थी। कछुआ धीरे से डायना से पूछता है, डायना, ये तुम चित्रा आंटी को महाडायन क्यों बोल रही हो? डायना कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, अपने ही गम में गमगीन होकर रोते रहती है। डायना चित्रा की लाश को देखते हुए ही फिर रोते हुए बोल पड़ती है, महाडायन, आप ऐसे नहीं जा सकती, आंखें खोलिए, अभी तो मैंने आपका काम भी पूरा नहीं किया है। आपने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, फिर आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? डायना की बातें सुनकर अभिमन्यु समझ जाता है कि डायना को मेहंदी पथार में किसी और ने नहीं, महाडायन ने ही भेजा था किसी मकसद से। पर वो सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात को जानकर था कि चित्रा ही महाडायन थी। डायना अभी भी चित्रा को महाडायन बोल बोल कर उनकी छाती पर अपना सिर रखकर रोए जा रही थी। अमोदिता भी रोने लग गई थी। अमोदिता भी रोते हुए तुरंत डायना को टोकते हुए बोल पड़ती है, बंद करो इनको महाडायन बोलना, डायना वो महाडायन नहीं है। डायना कुछ जवाब देती उससे पहले यामिनी अमोदिता से बोल पड़ती है, यही महाडायन है अमोदिता। कायर हैरानी के साथ अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी, महाडायन वो भी चित्रा आंटी? यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ कायर, चित्रा आंटी ही महाडायन है, वही महाडायन जो तुम्हें पंचिम गांव में मिली थी। कायर खुद से बड़बड़ाता है, इसका मतलब उस दिन वहां उस घर के अंदर जिससे हमारा सामना हुआ था वो कोई और नहीं, चित्रा आंटी थी।
यामिनी कायर से पलट कर कहती कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। डायना गुस्से के साथ यामिनी से पूछती है, इनका ये हाल किसने किया यामिनी, किसने मारा इन्हें, बताओ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बताओ यामिनी किसने महाडायन को मारा। यामिनी डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, खामोशी के साथ खड़े रहती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे बताए कि कुछ देर पहले वहां पर क्या हुआ था, किस तरह एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और एक प्रेमिका अपने ही प्रेमी की जान लेने पर तुली हुई थी। डायना यामिनी पर दबाव बनाते हुए उससे फिर पूछ पड़ती है, बोलो यामिनी इनके साथ क्या हुआ था, किसने मारा इन्हें। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, मेरे अभिशाप ने। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, सब लोग एकटक नजर से यामिनी की तरफ देखने लग जाते हैं। चटर्जी हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, तुम्हारे अभिशाप ने मतलब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।